ये आप लोग देख सकते हैं, दो जने इसको चला रहे हैं और एक जने ने कढ़ाई को होल्ड कर रखा है। तो कितनी सारी लेयर कैसे खुल चुकी है बिल्कुल, ये देख। तो गाइस ये देखिए, ये काजू का पेस्ट है। तो ये जा रहा है गाइस देसी घी, तरीके से चलाया जाएगा। तो ये देख सकते हो गाइस किस तरह से ये पेस्ट जो है कैसा हो चुका है, बिल्कुल ही पतला हो गया उस्ताद जी है सारा पेस्ट। ये देखिए गाइस इस तरह से यहाँ पे ऐसे ट्रांसफर कर दिया है और इसको चलाते रहना पड़ता है बिल्कुल। इलायची पाउडर, तो ये देखो ये जो है चॉकलेट जा चुकी है गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं चॉकलेट जाती है बकायदा, चॉकलेट डालिए गाइस बिल्कुल, देख सकते हो कैसे रंग आ रहा है शानदार। ये देख सकते हो ड्राई फ्रूट जा रहे हैं बिल्कुल भर के लोडेड, ये देखिए। डार्क चॉकलेट और ड्राई फ्रूट डाल दिए भर के बिल्कुल, और इसको ठंडा करा जाएगा। और एक लीटर पानी, किस तरह से चाशनी खोल रही है बिल्कुल, तैयार हो चुकी है लगभग अपनी चाशनी। और ये देखिए गीला कपड़ा मारा जा रहा है साइड पे, बिल्कुल जो चाशनी चिपक जाती है ना उसको हटाने के लिए गीला कपड़ा मारा जाता है साइड पे। ठंडा पानी है तो इसको ठंडा करने का तरीका है। अच्छा, और इसको चलाते रहना पड़ेगा। अच्छा, क्या डाला जा रहा है उस्ताद जी? घी डाला, देसी घी। ये देखिए गाइस किस तरह से ये जो है आग जो है चिंगारियां मार रही है भाई, बिल्कुल गजब भाई। ये चीज करने की जो है ना कलाकारी चीज होती है बिल्कुल, एक्सपीरियंस मांगता है भाई, सिंपल सी बात है ये। ये देखिए गाइस किस तरीके से जो है चिंगारियां निकाली जा रही है भाई, इसे देसी घी बिल्कुल फैला दिया लेयरों पे, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आ गई है गाइस अपनी चाशनी, ये देखिए बहुत ही बढ़िया। और अब इसको ठंडा करा जाएगा थोड़ी देर रख के एज इट इज। ये देखिए गाइस चाशनी की जो है लेयर तैयार हो गई है, ये देखिए भाई साहब अच्छा हमारे जा रहा है बिल्कुल, मोटी लेयर बन जाएगी, फिर उसको हमारे इस पेस्ट के अंदर गिरा जाएगा। ये देखिए गाइस ये चली गई है चाशनी अंदर बिल्कुल भाई साहब, और अब इसको मिक्स करा जाएगा अच्छे तरीके से, ये आप लोग देख सकते हैं। कहीं पर आपने ऐसी मेकिंग नहीं देखी होगी, ये देखिए गाइस किस तरीके से हुए हुए भाई साहब गजब चीज है गजब, ये देखिए हुए 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 भाई साहब क्या लेयर बनी है झकास, गजब चीज है। ये गाइस अपनी चोको वाइट, इसी में अगर चॉकलेट ना मिला तो सेम प्रोसीजर है मावा वाइट का, और ये जो है उधर चला गया ऊपर, इसको चलाते रहेंगे फिर से, ये आप लोग देख सकते हैं। गाइस देख सकते हो कितनी ज्यादा मेहनत लगती है इसको बनने में, ये देखिए भाई साफ बटर बहुत तेरी, किस तरीके से इसको पीटा जा रहा है ये देखिए, चप्पू से बिल्कुल जो है चलाया जा रहा है, इसको दबाया जा रहा है, प्रेस करा जा रहा है, इसे कहते हैं चोको वाइट। और ये वापस उठा के रख दिया गई है इधर, और अब इसको फिर चलाया जाएगा। गाइस ये देख सकते हो कितने जने तो इसको मिलकर, दो दो जने इसको मिलकर चला रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं गाइस। ये देखिए गाइस दो दो तीन तीन जने तो इसको मिलकर चला रहे हैं, ये आप लोग देख सकते हैं, दो जने इसको चला रहे हैं और एक जने ने कढ़ाई को होल्ड कर रखा है भाई साहब। मिठाई बनना आसान काम नहीं होता बिल्कुल भी, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये तैयार हो चुका है अब अच्छी तरीके से, और अब इसको ट्रे में रख के जो है नीचे ले जाया जाएगा, ठंडा करा जाएगा अब इसको
उल्टा करा जाएगा गाइस। भाई इसमें ऑलरेडी ये देख सकते हो कितनी सारी लेयर कैसे खुल चुकी है बिल्कुल, ये देखिए भाई साहब। अब इसको सर कितनी देर ठंडा, कितनी देर लगेगी इसको ठंडा होने में? ठंडा होने में 10 से 15 मिनट ठंडा होगा गाइस। इस तरीके से स्टिक हो चुका है बिल्कुल, ये देखिए। किस तरीके से इसको पीटा जा रहा है, बेलकर जो है मतलब उसकी शेप में कर रहे हैं। ये देखिए भाई किस तरह से कटिंग होती है मिठाई की, ये आप लोग देख सकते हैं। वक्कू से कटिंग नहीं हो पाती क्या भैया? ना नहीं हो पाती। अच्छा हो चुकी है अपनी चोको बाइट की, और अब इसके भैया सीधा पैकिंग होगी।